हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू वॉफर चैनल। तो आज अभी आपने देखा कि एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है टेस्ला की, कि इन्होंने अपने जो BTC का वॉल्यूम था बहुत ज़्यादा सेल ऑफ कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट में फट बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुका है। इस वक्त आप सभी जानते हैं कि हर कोई इतना ज़्यादा डर चुका है कि अगर टेस्ला इस तरीके से BTC को सेल करना शुरू कर देगा, यानी कि ऑलरेडी कर ही चुका है, तो इस तरीके से हर जगह फट तो क्रिएट होगा ही, हर कोई BTC को जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, ऑल कॉइंस हैं, उनको सेल करना शुरू कर देगा। तो बहुत बड़ा फट ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है, जिसकी वजह से अभी समझ नहीं आ रही है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, लेकिन मैं आपको सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस यहाँ समझने की ज़रूरत है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए। तो इसके अलावा मैंने कल आपको एक वीडियो दिया था जिसमें ऑल कॉइंस बताए थे कौन से बाय करने, आपने वो जाकर चेक ज़रूर कर लेना, सभी रिसर्च बेस्ड कॉइंस हैं। और अगर हम कॉल्स की बात करें या फिर सिग्नल्स की बात करें, क्रिप्टो के सिग्नल्स ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ हमारे वॉफ्ड ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और डिस्कशन आप कर सकते हैं हमारे वॉफ्ड डिस्कस हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ आप हमारे ट्रेडर्स के साथ डिस्कशन भी कर सकते हैं किसी भी कॉइन के बारे में। तो सबसे पहली चीज़, यहाँ कितना सेल हुआ, क्या सेल हुआ, ये समझने से पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ जस्टिन सन का क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि टेस्ला ने शुक्र है BTC को सेल करते, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि हमेशा ये डर बना हुआ था कि अगर जो टेस्ला है अगर वो बिटकॉइन सेल करेगा तो मार्केट में फट क्रिएट होगा, तो पैनिक सेलिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो जस्टिन सन ने इस चीज़ को अच्छा ही कहा है कि शुक्र है इन्होंने सेल कर दिया, क्योंकि अब इसके बाद कोई भी इस तरीके का फट दोबारा नहीं आएगा। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही मानना है, क्योंकि जैसे चाइना बार बार बैन की न्यूज़ दे रहा था पिछले साल, तो उन्होंने फाइनली बैन कर दिया, तो हम सभी ने उस वक्त इस चीज़ को सेलिब्रेट किया था कि फाइनली चाइना ने बैन कर दिया, अभी जो माइनर्स है वो बाहर की कंट्रीज़ में जाएंगे और चाइना की कोई भी न्यूज़ क्रिप्टो मार्केट को इम्पैक्ट नहीं करेगी। बिल्कुल वैसे अब टेस्ला की ज़्यादातर अपडेट्स अफेक्ट नहीं करेंगे, और वैसे भी आप जानते हैं डॉजकॉइन के ये जितना मर्जी ट्वीट कर लें, डॉजकॉइन के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आपको सबको पता है लगभग 1-1.5 साल से सभी होल्ड करके बैठे हैं, लेकिन डॉजकॉइन में कोई खास वैल्यू बढ़ी नहीं है। हालांकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बाइंग अपॉर्चुनिटी दी थी डॉज की, तो वो जाकर चेक जरूर कर लेना। तो आखिर टेस्ला ने 75% बिटकॉइन की होल्डिंग्स को सेल ऑफ किया, एक्चुअल में उन्होंने फिएट परचेज करना था, इसलिए तो फिएट उन्होंने जो परचेज किया 936 मिलियन का कैश उनको चाहिए था। तो सेकंड क्वार्टर में जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ये चीज़ रिवील करी गई है कि इन्होंने 936 मिलियन का फिएट बनाकर उसमें ऐड किया है, क्योंकि इनको ज़रूरत थी तो इन्होंने कर लिया। इसी के साथ इन्होंने ये भी बताया कि टेस्ला का $106 मिलियन का बिटकॉइन में लॉस भी हुआ है, लेकिन एक चीज़ इलोन मस्क ने क्लियर कही है कि वो सर्टेन है इस चीज़ को लेकर कि वो है ओपन टू इंक्रीजिंग अवर बिटकॉइन होल्डिंग्स इन द फ्यूचर, यानी कि वो अभी भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और बिटकॉइन में और भी ज़्यादा बाइंग करने वाले हैं। लेकिन एक और चीज़ क्लियर करी है कि डॉजकॉइन के उन्होंने सेल नहीं किया है, डॉजकॉइन उसी तरीके से होल्ड किया हुआ है। तो ये सब तो चीज़ें ऐसी हैं कि फट क्रिएट करने वाली, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ देखने वाली है, जैसा हमें भी सोचना चाहिए, जैसे कि इलन मस्क ने ये कहा कि उन्होंने बिटकॉइन की होल्डिंग्स को इसलिए सेल ऑफ किया है क्योंकि उनको लगता है कि कोविड का लॉकडाउन जो चाइना में है वो फिर से आने वाला है, या फिर ऐसे कंटिन्यू रहेगा, जिस कारण उनको पता है कि अभी कैश पोजीशंस उन्होंने मैक्सिमाइज करनी है, और करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब मार्केट में इस तरीके की सिचुएशन आती है, आप खुद जानते हैं पिछले 1-2 साल बहुत बुरे रहे हैं। तो बिल्कुल अगर आप भी इंस्टीट्यूशंस की तरह सोचोगे तो आप भी हमेशा सक्सेस पाओगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं सेकंड क्वार्टर की जो रिपोर्ट है 2022 की वो पूरी आ चुकी है, लेकिन यहाँ से हम जो इम्पोर्टेंट डेटा है सिर्फ वही चेक करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं डिजिटल एसेट्स नेट, यहाँ जो रेड लाइन में मार्क किया हुआ है, तो यहाँ 30 जून 2021 से लेकर 30 जून 2022 तक का है, जिसमें नेट डिजिटल एसेट्स अभी $218 मिलियन के दिख रहे हैं, जो कि पहले एक्चुअल में $1.26 बिलियन थे अगर हम इससे पिछले क्वार्टर की बात करें, यानी कि 31 मार्च की बात करें। तो इसके बीच में इन्होंने सेल ऑफ किया, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है इन्होंने कब सेल ऑफ किया ये किसी को अभी तक नहीं पता था। अगर ऐसा फंड क्रिएट करना होता तो ऑलरेडी ये ट्वीट कर चुके होते, लेकिन ये चीज़ सामने आई है सिर्फ और सिर्फ इस रिपोर्ट के द्वारा ही। एक और चीज़ या स्टेटमेंट ऑफ जो कैश फ्लोज है, यहाँ हर एक चीज़ और भी ज़्यादा क्लियर रहती है। तो हम देख सकते हैं कि प्रोसीड्स फ्रॉम सेल्स ऑफ डिजिटल एसेट्स, यानी कि डिजिटल एसेट्स सेल करने पर यहाँ इन्होंने क्या बाइंग करी है या फिर उसके बदले में क्या मिला है, तो वो है $936 मिलियन कैश। तो एक्चुअल में कैश की उनको ज़रूरत थी तो इन्होंने ऐसा किया। तो अगर हम 42,000 बिटकॉइंस की बात करें, जो कि इन्होंने पिछले साल बताया था कि जुलाई में 42,000 बिटकॉइन से, तो उसके बेसिस पर अभी हम देख सकते हैं कि बहुत बड़ा ऑलरेडी लॉस हो ही चुका है। लेकिन ये एक कंपनी है, ना कि बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी की सपोर्टर है या फिर एक्सचेंज है, तो इसलिए इन्होंने अपना इस वक्त सोचा कि शटडाउन, कोविड शटडाउन जो हो सकता है चाइना में, उसकी वजह से कैश की सबको ज़रूरत पड़ सकती है, तो इस कंपनी को भी ज़रूरत थी, जिस वजह से इन्होंने कैश कर लिया लेकिन डॉजकॉइन को सेल नहीं किया। और जल्द ही आने वाले दिनों में हो सकता है कि एक और बाइंग अपॉर्चुनिटी देकर और भी ज़्यादा बिटकॉइन में बाइंग करें।
इसके पीछे एक और सच्चाई ये भी है कि एलन मस्क हो सकता है कि उनको जरूरत पड़े पैसे की, क्योंकि इनका ट्विटर के साथ लीगल बैटल चल रहा है, तो वहाँ हो सकता है कि इनका बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा हो, क्योंकि ट्विटर खुद एक बहुत बड़ी कंपनी है। सो देर कैन बी मैनी रीजन्स। अब हम आते हैं इंडिया के ऊपर, तो इंडिया की भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है इस वक्त, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो पावर्ड बाय EPNS है, क्योंकि EPNS की कई सारे अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट प्रोजेक्ट है, जो कि Web3 बेस्ड प्रोजेक्ट है और इथेरियम के ऊपर बिल्ड किया गया, और इसका मेन मकसद यही है कि ये इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विसेज लेके आए, यानी कि जनरली ये यूज़ किया जाता है डेवलपर्स के द्वारा, अगर वो अपना कुछ भी डैक्स बिल्ड कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐप बिल्ड कर रहे हैं तो अपने डैप में वो EPNS लगा सकते हैं। लेकिन इसका जो मेन फायदा हमें हो सकता है वो यही है कि हमारे जो नोटिफिकेशंस नहीं आते तो वो नोटिफिकेशंस हमें मिल सकते हैं EPNS के द्वारा, यानी कि अगर हम डैक्स यूज़ करते हैं तो डैक्स के ऊपर जनरली क्या रहता है, वहाँ जो स्वैप होता है, ट्रांजेक्शन्स होती हैं, डिपॉजिट रिसीव होता है, तो उससे कोई भी नोटिफिकेशंस नहीं आते, तो पुश नोटिफिकेशंस दिलाने में EPNS हमारी हेल्प करता है। इसी के साथ EPNS का एक रॉकस्टार ऑफ EPNS प्रोग्राम हमेशा चलता रहता है, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप कुछ ना कुछ ट्वीट करते हैं, मीम बनाते हैं रेगुलर बेसिस पर, ट्वीट करते रहते हैं और टैग करते हैं EPNS को या फिर पुश को, तो आप भी इसमें सेलेक्ट किए जा सकते हैं एज ए नॉमिनी। तो अगर आप नॉमिनेट हो जाते हैं तो यहाँ चांस है आपको यहाँ कई हज़ारों पुश विन करने के, जिनकी वैल्यू लाखों में जा सकती है। तो ये जाकर EPNS का चेक जरूर करना ट्विटर के ऊपर। अभी हम बढ़ते हैं इंडिया की तरफ, क्योंकि इंडिया की और भी कुछ अपडेट्स आ रही हैं कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं इनको कम करने का अभी कोई भी प्लान नहीं है। RBI हमेशा वार्न करता है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, इसलिए वो यूजर्स होल्डर्स एंड ट्रेडर्स सभी को यही बोलता है। वो हम अब भी जानते हैं, आज से एक दो दिन पहले भी यही अपडेट आई थी कि क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया जाएगा, लेकिन इसके ऊपर जो इतना बड़ा टैक्स लगाया गया 30% टैक्स है, 1% TDS है, इसको कम नहीं किया जाएगा, कुछ ऐसी अपडेट आई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस जो कि है पंकज चौधरी, तो उन्होंने कहा है कि देर इज़ नो सच प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन कि टैक्स को कम किया जाए। लेकिन एक चीज़ इन्होंने मई 31 को क्लियर कर दी थी कि आपको KYC करना, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का ध्यान रखना, इसी के साथ CFT कम्बैटिंग ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, ये सब कुछ हर चीज़ का ध्यान रखना एक्सचेंजेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना KYC के बिना आपके जो भी एक्सचेंज है, एसेट्स हैं, वो बंद हो सकते हैं, होल्ड हो सकते हैं। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा कि जो CoinSuite एक्सचेंज है अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा परमानेंटली, तो उससे आपने कैसे बचना है। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करना। तो एक्चुअल में ओवरऑल तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रेशर बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से एक्सचेंजेस भी बंद होती जा रही हैं, लोग खुद भी छोड़ रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करना, और कुछ लोग अपना अकाउंट बंद कर रहे हैं या फिर एक्सचेंजेस ही बंद कर रही हैं। लेकिन जो वज़ीर-ए-एक्स के वाइस प्रेसिडेंट है राजगोपाल मेनन, तो उन्होंने कहा है कि इंडिया को लूज़ नहीं करना चाहिए जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं क्रिप्टो से, यानी कि इन बेनिफिट्स को मिस नहीं करना चाहिए और इनको स्टेप्स और बढ़ाने चाहिए कोलैबोरेट करने के लिए, ताकि बेस्ट प्रैक्टिसेस लानी चाहिए इंडिया में जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा अच्छी रहें। तो ये बयान तभी आया क्योंकि लास्ट एक दो दिन पहले जो बोला गया था RBI के द्वारा कि क्रिप्टो करेंसीज शुड बी प्रोहिबिटेड, तो उसके बाद ये अपडेट आई थी। अगर हम बाकी गवर्नमेंट्स की बात करें, जो कि वज़ीर-ए-एक्स के वाइस प्रेसिडेंट ने ही बताया कि बाकी गवर्नमेंट्स जो पूरे वर्ल्ड की हैं वो फिगर आउट कर रही हैं कि कैसे रेगुलेट किया जाए क्रिप्टो करेंसीज को, ना कि इनडायरेक्टली बैन किया जाए जैसे कि इंडिया में किया जा रहा है। ऑलरेडी हम जानते हैं कि जितने भी डेवलपर्स हैं, जैसे कि अगर अभी फेसबुक की बात करें वो मेटा में कन्वर्ट हो चुका है, गूगल भी इस वक्त Web3 के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो इंडियन प्रोजेक्ट्स भी Web3 के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। और वैसे भी Web3 की बात करें या मेटावर्स की बात करें, वहाँ क्रिप्टो करेंसीज की यूजेज करनी ही पड़ेगी। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, फंड मार्केट में है, लेकिन आपने यहाँ सेल ऑफ नहीं करना। कुछ अपडेट्स मैं आपके साथ और शेयर करूंगा टेलीग्राम के ऊपर कि कौन सा कॉइन कब बाय करना है, कब सेल करना है, तो जुड़ जाना वॉलफिट ऑफिशियल सर्च करके या लिंक के ऊपर क्लिक करके। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हमारे चैनल वॉलफिट को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।